मौसम और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पिछड़ा वर्ग ने हरियाणा में राजनीतिक दलों से मांग की है कि वे आगामी चुनाव के लिए आबादी के हिसाब से पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पारित करें। हरियाणा में पिछड़े वर्गों की 52% से अधिक जनसंख्या है। प्रेस को जारी एक बयान में पिछड़े वर्ग के DIPRO रिटायर्ड सुरेंद्र कुमार वर्मा कोथ ने कहा कि पिछले दिनों एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरियाणा में सरकार आने पर एक मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। समाज सेवी सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि जब हरियाणा में दूसरे समुदाय के लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हरियाणा में आधे से अधिक जनसंख्या होने के बावजूद पिछड़े वर्ग समाज को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने का क्या अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग अब जाग चुका है और अब की बार चुनाव में पिछड़ा वर्ग उसी राजनीतिक दल को अपना आशीर्वाद देगा जो आबादी के हिसाब से पिछड़े वर्गों के लोगों को टिकटें देगा। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग को हिस्सेदारी देने वाली राजनीतिक पार्टी ही सत्तासीन होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जींद से हमारे संवाददाता सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग ने हरियाणा में राजनीतिक दलों से मांग की है कि वे आगामी चुनाव के लिए आबादी के हिसाब से पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री अथवा उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पारित करें। हरियाणा में पिछड़े वर्गों की 52% से अधिक जनसंख्या है। पिछड़े वर्ग के DIPRO रिटायर्ड सुरेंद्र कुमार वर्मा कोथ ने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा के एक पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरियाणा में सरकार आने पर एक मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। जब हरियाणा में दूसरे समुदाय के लोग मुख्यमंत्री अथवा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हरियाणा में आधे से अधिक आबादी होने के बावजूद पिछड़े वर्ग समाज को मुख्यमंत्री अथवा उप मुख्यमंत्री बनने का क्या अधिकार नहीं है। पिछड़ा वर्ग अब जागरूक हो चुका है और अब की बार चुनाव में पिछड़ा वर्ग उसी राजनीतिक दल को अपना आशीर्वाद देगा जो आबादी के हिसाब से पिछड़े वर्गों के लोगों को टिकट देगा। पिछड़ा वर्ग को हिस्सेदारी देने वाली राजनीतिक पार्टियां ही सत्तासीन होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। हरियाणा में पिछड़े वर्गों के ए और बी श्रेणियों में क्रमशः 72 व स्वतंत्र जातियाँ हैं, फिर भी आबादी के हिसाब से पिछड़े वर्गों को हिस्सेदारी नहीं मिली। पिछड़े वर्गों के लोगों को बकाया जाता रहा, लेकिन अब पिछड़े वर्ग के लोग जागरूक हो चुके हैं और वे किसी के बकाए में आने वाले नहीं हैं और न ही दबाव और लालच में आने वाले हैं और न ही झुकने वाले हैं। उन्होंने पिछड़े वर्ग के विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी नेताओं और लोगों से अपील की है कि वे सबसे पहले आपसी भाईचारा मजबूत बनाएं और अपने समाज और प्रदेश के हितों को सुरक्षित समझें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और करवाएं, तभी पिछड़े वर्गों का कल्याण व उत्थान संभव हो पाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार वर्मा, DIPRO रिटायर्ड जींद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।